प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान कंबूस से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की और दोनों देशों के रक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग सहित आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में दुबई से यहां पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तान कंबूस बिन साद अल साद के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की अगुवाई की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊंचाई छूते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान कबूस के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और दोनों रणनीतिक साझेदारों के बीच व्यापार और निवेश, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत हुई। सुल्तान कबूस ने ओमान के विकास में भारतीयों की कड़ी मेहनत और ईमानदारी भरे योगदान की सराहना की। एक संदिग्ध लिफाफा खोलते के बाद ट्रंप की बहू वेनेसा ट्रंप को सावधानी बरतते हुए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध लिफाफे में सफेद पाउडर लगा हुआ था। ये लिफाफा ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के मैनहट्टन के पते पर खींचा गया था। मौके पर मौजूद वेनेसा ट्रंप और दो अन्य लोगों को शहर के अग्निशमन दल के अस्पताल में पहुंचाया और साथ ही न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने बीबीसी को बताया है कि परीक्षण में पाउडर खतरनाक साबित हुआ है नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि वेनेसा ट्रंप पाउडर से शारीरिक तौर पर प्रभावित प्रतीत नहीं हो रही थी। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने सेना के जवानों से कहा है कि महिला विद्रोहियों के गुप्तांगों में गोली मार दी जाए। 7 फरवरी को दुतेर्ते ने हीरोज हॉल में पूर्व कम्युनिस्ट विद्रोहियों को संबोधित करते हुए यहां ये बात कही और साथ ही दुतेर्ते इससे पहले दवाओं के मेयर रह चुके हैं। सेना के जवानों का जिक्र करते हुए उन्होंने विद्रोही महिलाओं को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि सैनिकों से बता दो कि वो महिलाओं को जान से नहीं मारें बल्कि उन्हें गोली मार दें बिना। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसका अर्थ निकलता है कि महिलाएं बिना गुप्तांगों के किसी काम की नहीं है। नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने मालदीव में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमि को हथियाने के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के आरोप को सोमवार को झूठा एवं दुष्प्रचार करार देकर खारिज कर दिया। चीन का नाम लिए बगैर नशीद ने एक बड़ी उभरती ताकत पर इस द्वीप में जमीन हथियाने और इसकी संप्रभुता खरीदने का आरोप लगाया था। चीनी दूतावास के प्रवक्ता काउंसलर जी रोंग ने नशीद के बयान का खंडन करते हुए एक बयान जारी किया। आईएस का नेता अबू बकर अल बगदादी पिछले वर्ष हवाई हमले में घायल हो गया था। ये खतरनाक आतंकी संगठन पर 5 महीने तक नियंत्रण नहीं रख पाया। सोमवार को एक मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले बगदादी के मारे जाने या उसके घायल होने की खबरें आती रही हैं। एक बार फिर उसके घायल होने की रिपोर्ट सामने आई है। चीन अपनी सामरिक क्षमताओं में लगातार जबरदस्त तरीके से इजाफा कर रहा है। चीनी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वायुसेना ने हाल ही में अपने बेड़े में बम बरसाने वाले J-20 लड़ाकू विमान को शामिल किया है जिससे चीन की युद्ध लड़ने की ताकत काफी बढ़ जाएगी। J-20 लड़ाकू विमान के जरिए चीन की मंशा एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और जापान के वर्चस्व को तोड़ना है। खास बात यह है कि J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जो रडार से बच निकलने में सक्षम होता है। भारतीय वायुसेना के पास अभी स्टेल्थ विमान नहीं है। अमेरिका के एरिजोना राज्य के ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क में रविवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार 3 ब्रिटिश नागरिकों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। घायलों को यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ऑफ नेवाद में भर्ती करवाया गया है और साथ ही अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि सभी मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
रूस में विमान हादसे को लेकर पूरा देश सदमे में है। रविवार को राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाके में एक घरेलू यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और इसमें सवार सभी 71 लोगों की मौत हो गई है। ये विमान राजधानी के डोमोडेडोवा एयरपोर्ट से उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद हादसे का शिकार हो गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शोक व्यक्त करते इनके साथ ही विशेष जाँच आयोग गठित करने की घोषणा की है। वहीं सोमवार को रूसी आपातकालीन मंत्री व्लादिमीर पुचकोव ने कहा कि दुर्घटना स्थल पर तलाशी अभियान में एक हफ्ता लग सकता है। रूसी एजेंसी टॉस के अनुसार मंत्री ने कहा कि चूंकि विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई है, इसलिए दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान तलाशी अभियान में तब्दील हो गया है। बीजिंग और इसके निकटवर्ती हेबेई प्रांत में सोमवार को 4.3 की तीव्रता वाला भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप से फिलहाल किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र 20 किलोमीटर की गहराई में था। चीन भूकंप नेटवर्क सेंटर ने कहा कि भूकंप जोंगकिंग काउंटी और उत्तरी चीन के हेबेई प्रांत के लॉन्गफांग शहर में स्थानीय समय अनुसार शाम 6:31 पर आया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि झटका बीजिंग के मध्य में महसूस किया गया। बता दें कि यहां की आबादी 2,15,00,000 है और इमारतों के हिलने से शेडलेयर और सीजिंग में लगी लाइटें हिलने लगी। योमकिंग में एक होटल में काम करने वाले लियांग योगजिन ने बताया कि भूकंप से उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, बस कुछ लाइटें हिलने लगी। फल सब्जियों और ईंधन के दाम कम होने से खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी में घटकर 5.07% रही। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधिकारिक महंगाई दर दिसंबर में 5.21% थी, जो 17 महीने का उच्च स्तर था। पिछले साल जनवरी में ये 3.17% थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत वृद्धि जनवरी में नरम होकर 4.7% रही, जो दिसंबर में 4.96% थी। दूरसंचार दिग्गज आइडिया सेल्यूलर ने सोमवार को आदित्य बिड़ला समूह की संस्थाओं को 32.66 करोड़ शेयरों के आवंटन के जरिए 3,250 करोड़ रुपए जुटाए हैं। आइडिया सेल्यूलर द्वारा जारी बयान के मुताबिक इक्विटी शेयर 99.50 रुपए प्रति शेयर के सम मूल्य पर आवंटित किए गए हैं, जिसमें प्रति शेयर 89.50 रुपए का प्रीमियम भी शामिल है और कुल मिलाकर 3.25 करोड़ रुपए था। व्हाट्सएप के पेमेंट फीचर का यूजर्स को लंबे समय से इंतजार रहा है। भारत के यूपीआई पर आधिकारिक व्हाट्सएप का पेमेंट फीचर अब लाइव हो चुका है। अब यूजर्स पेटीएम की ही तरह व्हाट्सएप से भी पैसों का लेन देन कर पाएंगे। इस फीचर को iOS और एंड्रॉइड दोनों पर उपलब्ध करवा दिया गया है। तीन दिवसीय यात्रा पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत काठमांडू जाएंगे। इस दौरान बिपिन रावत नेपाल में सेना दिवस में शिरकत करेंगे और आपको बता दें कि भारत नेपाल के राजनयिक संबंधों के भी 70 साल पूरे हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के करण नगर स्थित सीआरपीएफ कैंप के पास सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ मंगलवार को भी जारी है और सीआरपीएफ कैंप के नजदीक स्थित इमारत में 4 आतंकियों के अभी भी छिपे होने की आशंका है, जिन्होंने एक बार फिर कैंप में हमले की कोशिश की। सुंजवान आतंकी कैंप से एक और जवान शहीद हो गया है। सुंजवान हमले में अब तक 6 जवान शहीद हो गए हैं। सीआरपीएफ के आईजी ऑपरेशन जुल्फिकार हसन ने एनकाउंटर जारी रहने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर में इस बात का ख्याल रखना पड़ रहा है कि नागरिकों और संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। करण नगर में फिलहाल दोनों तरफ से रुक रुक फायरिंग हो रही है। सीआरपीएफ जवानों ने बिल्डिंग को घेर लिया है।
मुंबई के मुंब्रा में एक गोदाम में आग लग गई और आग की लपटों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयंकर थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है और दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर हैं और आग पर काबू पाने में लगी है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है और भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश को शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। आज देश भर में शिवरात्रि की धूम है। शिवरात्रि को भगवान शिव की पूजा करने का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन होली को खुश कर लिया तो आपके सारे काम सफल हो जाते हैं और सुख समृद्धि आती है। होली के भक्त आज के दिन मंदिरों में भगवान शिव की पूजा करते नजर आ रहे हैं। शिव को खुश करने के लिए शिवालयों में भक्तों का तांता लगा है। शिव भक्त बेलपत्र और जल चढ़ाकर शिव की पूजा कर रहे हैं। पंद्रह फरवरी को हरियाणा के जींद में होने वाली रैली को लेकर एक शख्स ने एनजीटी में याचिका दायर की थी, जिस पर कल जस्टिस एसपी वांगड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पर्यावरण मंत्रालय से जवाब मांगा था। इस मामले में आज एनजीटी में दायर याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें केंद्र और हरियाणा सरकार अपना जवाब देंगी। आपको बता दें कि शाह की इस रैली में लगभग 1,00,000 बाइकर्स शिरकत करेंगे और रैली में अमित शाह खुद भी बाइक से जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की 15 फरवरी को होने वाली रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। जिले में एहतियात के तौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेज को के 19 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं, जिसमें 4 आरएजी, 6 बीएसएफ, 5 सीआरपीएफ और 4 आईटीबीपी की कंपनियां तैनात हैं। रैली को लेकर प्रशासन किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल पहुंचे, जहां पर गेस्ट टीचरों को के बोलते हुए सीएम ने कहा कि गेस्ट टीचर से जल्द ही मुलाकात कर बातचीत की जाएगी। आपको बता दें कि रविवार को करनाल में गेस्ट टीचर्स ने सरकार के विरोध में सामूहिक मुंडन कराया था। आरोप लगाया था कि ना तो सरकार ना उनसे बात की है और न ही सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे मिलने आया। करीब 4.25 लाख अध्यापकों की ओर से दी गई अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम एक सप्ताह के अंदर घोषित कर दिया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने परीक्षा परिणामों के बारे में यह जानकारी दी है और हरियाणा बोर्ड की ओर से परिणाम जांच की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। बता दें कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी इन तीन लेवल्स की परीक्षा का आयोजन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से किया गया था, जिनमें प्रदेश भर में कुल 543 परीक्षा केंद्रों पर तीसरी आंख की निगरानी में परीक्षा आयोजित की गई थी और पहली बार बायोमेट्रिक मशीन के जरिए परीक्षार्थियों की हाजिरी लिखवाई गई थी, जिनमें कुल 4,45,966 परीक्षार्थियों ने आवेदन किए थे, जिनमें से 90% ने परीक्षा में किस्मत आजमाई थी। जींद के सफीदों विधानसभा के विकास कार्यों में अनदेखी को लेकर लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। लोगों ने एकत्रित होकर शहर में प्रदर्शन किया और एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सरकार से 3 महीने में ठप पड़े विकास कार्यों को पूरा करवाने की अपील की गई है। इस मौके पर हरियाणा बचाओ संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष कर्मवीर सैनी ने कहा कि आज सफीदों और इसके आसपास के इलाके विकास के नाम पर पछड़ते जा रहे हैं और अगर सरकार ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो वो धरने प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन शुरू करने को मजबूर हो जाएंगे। हरियाणा के फतेहाबाद शहर में 23 वर्षीय युवक की ओर से खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। युवक ने भट्टू रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। जानकारी के मुताबिक युवक की जेब से 5 पन्नों का सुसाइड नोट पुलिस को मिला है। सुसाइड नोट में युवक ने ब्याज पर लिए 10,000 रुपए पैसे वापस नहीं चुकाने का जिक्र किया है, जिसमें युवक ने फाइनेंसर पर टॉर्चर करने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
हरियाणा के गोहाना स्थित गांधीनगर में जोगिंदर नाम के एक युवक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतक मजदूरी करता था और काफी दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। आपको बता दें कि मृतक योगेंद्र मूल रूप से यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला था और लंबे समय से गांधीनगर में अपने मकान में रह रहा था। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सांसद अनुराग ठाकुर हमीरपुर के दो दिवसीय दौरे पर हैं। अनुराग ठाकुर 13 और 14 फरवरी को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। सांसद अनुराग ठाकुर हमीरपुर के सांसद कार्यालय में लोगों से मुलाकात भी करेंगे। सांसद कार्यालय में लोगों से मुलाकात करने के बाद अनुराग ठाकुर पटलांदर स्कूल के वार्षिक समारोह में शिरकत करेंगे और फिर शालिग्राम भवन में कामगार कल्याण बोर्ड की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने कड़े निर्देश दिए हैं। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान वीरभद्र को कोर्ट ने 22 मार्च को खुद पेश होने को कहा है। सीबीआई की याचिका पर कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय लिया है। बताया जाता है कि पिछली 4 जनवरी 2017 को कोर्ट ने वीरभद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया था और 26 सितंबर 2015 को सीबीआई ने वीरभद्र के शिमला स्थित निजी आवास हॉली लॉज पर छापा मारा था। उस समय वो हिमाचल के सीएम हुआ करते थे और उनकी बेटी की शादी थी। हिमाचल प्रदेश की अगले वित्त वर्ष की वार्षिक योजना 6300 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इसमें 600 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सीएम जयराम ठाकुर ने विधायक प्राथमिकताओं की बैठक में इसकी घोषणा की। अगले वित्त वर्ष की विधायक प्राथमिकताएं तय करने के लिए सोमवार को 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई और पहले दिन के पहले सत्र में शिमला, सोलन, सिरमौर और लाहौल स्पीति के विधायक इस बैठक में हिस्सा लिया।